तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। ये तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। नाज़रीन आदा, सब दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब। तो आज की वीडियो के लिए, ब्लॉग के लिए मैं अजमेर के शहर में आ चुका हूँ, क्योंकि मेरी काफी वक्त से ये ख्वाहिश थी कि मैं आपको किसी दरगाह की ज्यारत करवाऊँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि अजमेर ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज्यारत कराने के लिए यहाँ पहुंचा। तो सामीन, ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा 14 रजब अल मरजब 530 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 25 अप्रैल 1136 ईस्वी में ईरान के एक गांव संजर में पैदा हुए। आपके वालिद साहब का नाम हजरत सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और वालदा का नाम था हजरत बीबी सईदा उम्मल बरा था। तो उनकी हालात और जिंदगी के बारे में सुनने के लिए मैं आपको एक ऐसे एक नौजवान और एक अच्छे इंसान से आपकी मैं बात करवाता हूँ, उसको मैं सुनाता हूँ हजरत मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। वो सुनाएंगे आपको, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और यहाँ के अजमेर दरगाह के मुजावर भी हैं और सैयद आले रसूल भी हैं। उनका नाम है सैयद उबैद चिश्ती साहब। तो जब भी किसी को यहाँ पे दरगाह की ज्यारत करने के लिए आना हो तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ में स्क्रीन पर भी रहेगा। तो चलो सुनते हैं सैयद उबैद साहब क्या कहते हैं। सैयद उबैद चिश्ती साहब और खादम है यहाँ के। तो उबैद साहब, तो मैं चाहता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं, आप उनके बारे में आप जो भी है हिस्ट्री और जो करामात हैं उनके, जो भी ख़ास ख़ास हैं वो बताएँ, ताकि हमारे जो जिन लोगों को नहीं पता है वो भी जान पाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार हुजूर गरीब नवाज वो दरबार है कि जब सरकार अपने वतन से चले संजर से तो अपने पीर मुर्शिद की तलाश में निकले। आपके पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरबनी रहमतुल्लाह अलैह आपको हरवन शरीफ में मिले। आपका लकब हारूनी है जी। तो आप हरवन शरीफ में सरकार से मुलाकात हुई जी। आप देखते 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 आपके पीर मुर्शिद के चेहरे मुबारक पे इतना नूर था कि आपने उनसे बैत कर ली। आप मुरीद हो गए। अब मुरीद होने के बाद आपके पीर मुर्शिद ने आपको मदीनातुल मुनव्वरा रवाना किया। तो मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर सरकार को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई कि मोइनुद्दीन, हमने तुम्हें हिंदुस्तान का नाइब बना दिया। नाइब नबी अताए रसूल का खिताब सरकार को अता हुआ। आपको हिंद दे दिया गया। अब हिंद के अंदर उस टाइम कुफार थे, कोई
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कोई नहीं था, नहीं था। तो उस दौर के अंदर सरकार मदीनतुल मुनव्वरा से बगदाद, बगदाद से करबला ऐसे होते हुए आप यहाँ पहुँचे। सुभानअल्लाह। अब जब यहाँ पहुँचे तो आपने देखा हर तरफ बुत परस्ती थी, इंसान को इंसान नहीं समझते थे। सरकार ने आपने अपने नूर से जी वैसे रास्ते में चलते हुए आए जी, तो चलते हुए आए तो 90 लाख को मुसलमान किया, जिस पे नजर डाली उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। सुभानअल्लाह। दरबार गरीब नवाज है, यहाँ आने वालों की तमाम परेशानियाँ बला आफात दूर होता है। सुभान अल्लाह। ये दर वो दर है अताए नबी सुल्तानुल हिंद सरकारे दो आलम के लगते जिगर नवासा रसूल आले बैत के अतार के साहबजादे खाने से हैं ये। सुभान अल्लाह। आले नबी औलाद अली हैं ये जी बेशक। और ये दर वो दर है कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। बेशक बेशक। तो कुछ अता करना होता है तो सरकार बुलाते हैं। बेशक बेशक। और यहाँ मांगने वाले हाथ तो कम हैं जी, देने वाले हाथ ज्यादा हैं। सुभान अल्लाह जी। और सरकार की करामतों की तो बहुत लंबी फहरिस्त है। सुभान अल्लाह। अब एक मैं छोटा सा आपको वाकया बताऊं जी, ये सरकार की देग है जी। अब इसमें एक बड़ी यहाँ से एक औरत ने उसके औलाद नहीं हुई कई सालों तक जी, उनने मन्नत मांगी कि सरकार मुझे औलाद की दौलत से सरफराज अता फरमाओ जी। सरकार ने उसको काफ़ी टाइम के बाद औलाद की दौलत से सरफराज अता फरमाया जी। तो वो मन्नत पूरी करने दरबार गरीब नवाज में आती है, और वो जब दरबार गरीब नवाज में आती है तो वो देख बनाती है जी, और वो बच्चे को गोदी में झुलाती है, और वो बच्चा स्लिप खा के देग में गिर जाता है। सुभान अल्लाह। पकती हुई देग में गिर जाता है जी। और वो रोते हुए सरकार के आस्थाने अक्दस पे आती है कि सरकार आपने दिया तो ये क्या हो गया। वापिस वो उस तरफ भागती है तो उसका बच्चे को कुछ नहीं हुआ, यूं का यूं उठा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आग ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा। सुभान अल्लाह। बच्चा छोटा सा हंसता खेलता हुआ बाहर निकला, ये सरकार की करामत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरी करामत ये आती है कि ये सरकार जो आप उम्मत देख रहे हो ये सवा मन सोने का है। ये किसने चढ़ाया? ये रामपुर के नवाब ने चढ़ाया था, उसने मन्नत मांगी थी कि मुझे भी साहिब औलाद कर दो जी, तो मैं ये ताज चढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह। उसके 80 साल की उम्र में जाके औलाद हुई। 80 साल की उम्र में जाके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ताज चढ़ाया। अब जैसे वो देग है जी, अब वो अकबर की नजर की, जो ऊपर वाली देग है वो जी 20 मन की अकबर की नजर की जी, वो जहांगीर की मन्नत थी जी। अब जहांगीर अकबर भी दिल्ली से पैदल आया यहाँ देख, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार का जो लंगर खाना है ना जी, ये बड़े से बड़े बादशाहों ने, बड़े से बड़े मुगलों ने जी दरबार के अंदर लाइन में लग के बादशाह, जहाँ का बादशाह है वहीं रहे। सुल्तानुल हिंद ने सबसे बड़ा बादशाह का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक दफा अकबर आया जी, अब वहाँ फकीरों के लंगर के लिए लाइन लगी हुई थी। अब जब लाइन लगी हुई तो फकीर के टल्ले से उसका कटोरा गिर गया जी, तो कहता है कि ए फकीर हमारा कटोरा उठाओ जी, जानते नहीं हो हम कौन है। तो फकीर ने जवाब दिया कि तेरे जैसे कई बादशाह इस दर के भिखारी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद उठा तो उसे पछिमा हुआ, उसने कटोरा उठाया जी, सरकार की खिदमत में हाजिर लंगर लेने के लिए हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह। तो ऐसी कई करामतें हैं उर्दू गरीब नवाज की, और सरकार के दरबार में ऐसा कोई वक्त नहीं है कि जब नूर नजर नहीं आवे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक नूर वहाँ ही होता है जहाँ रसूल होते हैं। बेशक। जहाँ आले रसूल होते हैं, जहाँ गौसे आजम होते हैं जी, जहाँ हुजूर गरीब नवाज के जद्दे आला पीर मुर्शिद रहते हैं जी, और सरकार के तमाम औलिया इकराम बुजुर्गान इकराम यहाँ मौजूद हैं उस वक्त, तो ये यहाँ पे कोई ऐसा पल नहीं है कि जब दुआ मांगो वो रद्द हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे जनती दरवाजा है जैसे जी, तो ये किन 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 वक्तों पे खुलता है? ये जन्नती दरवाजा है, ये मैं अपने जन्नती दरवाजा ये इसलिए बना, पहले तो मैं बता जी 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 कैसे बना किस जी। जब मदीना मुनव्वर से रवाना हो रहे थे
जी, तो हुजूर को देख के सरकार गमखार हो रहा है जी। अब देखते जाना है रोज़ाए रसूल अल्लाह को और रोते जाना है, चलना है, फिर देखना है थोड़ा दूर हो रहा है, फिर रो रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़े तो सरकार की दस्ते गैब से आवाज़ आई कि है मोइनुद्दीन, जब तुम्हें हमारी याद आए या दिल तड़पे तो तुम हमें याद करना, हम तुम्हें वहीं मौजूद मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले अब यहाँ आए, अब ये जो जन्नती दरवाजा है ना, एक दिन आप सरकार यहीं बैठ के इबादत कर रहे थे जी, तो हुजूर की याद आ गई जी, तो हुजूर की याद में रोते रोते हुजूर जलवा फरमा होगा जी। अब जब हुजूर जलवा फरमा होगा है तो आए मोइनुद्दीन क्या मांगते हो? सुभान अल्लाह। सरकार में दो चीजें मांगता हूँ जी, कि एक आपकी उम्मत को बख्श दिवा दीजिए जी, बख्शवाना जो भी गुनाहगार है उनकी गुनाहों को माफ अता फरमा जी, और दूसरी बात कि जो ये यहाँ के साथ तवाफ लगाने से एक हज का सवाब हो जाए जी, जो गरीब मस्कीन लोग जो हज करने नहीं जा सकते उनके लिए ये बना है जी। और जब भी इस दरवाजे को जन्नती दरवाजा कहा जाता है जी, बेशक इसके साथ तवाफ लगाने से एक हज का सवाब होता है। सुभान अल्लाह। और ये खुलता है साल में चार मरतबा जी, ईद में जी, ईद में, ईद में सरकार के पीरो मुर्शिद के उरस में भी ईद ईद में ही होते हैं सरकार के पीरो मुर्शिद के जी। हाँ, ईद में, बकरीद में, मुहर्रम में, मतलब ईद में दो मरतबा खुलता है, बकरीद में एक दिन खुलता है, और चांद रात जो होती है ना रजब की चांद रात जी, उस रात से लेकर रजब की छह तारीख तक ये खुला रहता है। यहाँ पे उर्स मुबारक जो है वो रजब, रजब के महीने जी, यहाँ रजब की चांद रात से लेकर नौ रजब तक आपके उर्स मुबारक होते हैं जी। अल्लाह, तो आपने बहुत कुछ बताया और इंशाल्लाह जो लोग नहीं जानते हैं तो इंशाल्लाह आपके बताने से, समझाने से बहुत लोगों को पता चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उसके सबने